Hello everyone, welcome to the Logical Studies YouTube channel, your digital legal studio, and I am your friend advocate Lakshya Kumar Singh. Daily Hindu News Analysis series में आप सभी लोगों का स्वागत है. तो चलिए आज 27 नवंबर 2021 के द हिंदू न्यूज एनालिसिस को शुरू करते हैं. तो जो सबसे पहली न्यूज हमें देखने को मिलती है, दैट इज फ्रॉम कोरोना वायरस. इसका एक नया वेरियंट आया है जिसको नाम दिया गया ओमिक्रॉन न्यू वेरियंट ऑफ कंसर्न. तो इसको लेकर चिंता जाहिर की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने, और ये कहा है कि ये अपने पहले वाले वेरिएंट से बहुत तेजी से फैलता है. वो WHO सेज इट मे स्प्रेड क्विकली देन अदर फॉर्म्स. न्यू वरी, नया चिंता का विषय हमें एक मिल गया है. द न्यूली डिस्कवर्ड B11529 वेरिएंट ऑफ SARS कोरोना वायरस 2 इन साउथ अफ्रीका हैज बीन नेम्ड ओमिक्रॉन एंड क्लासिफाइड एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न. साउथ अफ्रीका में अराउंड 100 केसेस, बोस्वाना में 4, हांगकांग में 2, बेल्जियम में 1, इसराइल में 1, डेनमार्क में 1. बेल्जियम इज द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री टू अनाउंस अ केस ऑफ द वेरिएंट. और ओमिक्रॉन का पहला जो केस यूरोपियन यूनियन में देखने को मिलता है, दैट इज फ्रॉम बेल्जियम. राइट गाइस, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस और एविडेंसेस सजेस्टेड दैट देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ री इन्फेक्शन. और ये कह रहे हैं कि हमारी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो प्राथमिक जांच में पाया गया है कि बहुत ज्यादा केस है री इन्फेक्शन केस के थ्रू. द वेरियंट नाउ डेजिग्नेटेड एज ओमिक्रॉन, द WHO सेड. और इसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया है. तो आप देख भी रहे होंगे आजकल न्यूज में, लाइक गवर्नमेंट दोबारा कोरोना गाइडलाइंस जारी कर रही है, बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस के कैंटीन्स को बंद करवा दिया गया है. तो आगे इसको लाइक ट्रैक करते रहेंगे इस न्यूज को. तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर. ये खबर आती है वेस्ट बंगाल से, और इस खबर को इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि इसमें हमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और लीजेंडरी फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे के बारे में थोड़ा सा जानने को मिलेगा. शो दैट सेलिब्रेटेड 200 ईयर्स ऑफ बंगाल आर्ट टू शट डाउन. मतलब एक ऐसा शो चल रहा था जो लगभग 200 साल से की बंगाल की आर्ट के बारे में, उसके कल्चर के बारे में लाइक लोगों को बता रहा था, उसको अब बंद करने जा रहे हैं. जो बंगाल के 200 साल के इतिहास के बारे में लोगों को अवेयर कर रहा था, नॉलेज दे रहा था, एक ऐसा शो चल रहा था, उसको बंद किया जाएगा. घरे बेरे द पॉपुलर म्यूजियम एग्जीबिशन, ये एक म्यूजियम एग्जीबिशन थी कोलकाता में, वॉज हाउस इन अ बिल्डिंग ऑलमोस्ट एज ओल्ड. और कहाँ पर चल रही थी, एक करेंसी बिल्डिंग है जो कब बनी थी, 1833 में. ये लिखा हुआ ना, शॉर्ट लिव्ड एग्जिस्टेंस. द म्यूजियम एग्जीबिशन वॉज इनोग्रेटेड इन January 11, 2020 एट द रेनोवेटेड करेंसी बिल्डिंग विच वॉज बिल्ड इन 1833, 1833 में यह बनी थी. अब एक बार घरे बेरे के बारे में जान लेते हैं. देखो, घरे का मतलब होता है होम, बेरे का मतलब बाहर इन बंगाली. तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है घरे बेरे एट होम एंड द वर्ल्ड ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम द टाइटल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर्स आइकॉनिक नॉवल. तो क्या था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उनको गुरुदेव बोलते ना, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1916 में एक नॉवल लिखा. उस नॉवल का नाम था घरे बेरे, जिसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो बनता है एट होम एंड द वर्ल्ड. तो उसके बाद 1984 में लीजेंडरी डायरेक्टर सत्यजीत रे ने इसके ऊपर एक इंडियन बंगाली रोमांटिक ड्रामा बनाया, एक मूवी बनाई. तो उन्होंने लाइक पूरा का पूरा नॉवल को अपना बेस रख के वो पूरी की पूरी मूवी उसमें बनाई, और उसका नाम ऑलरेडी नॉवल वाला ही नाम उसको दिया गया, घरे बेरे. तो अब एक बार देख लेते हैं इसको. अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, DAG म्यूजियम कॉन्ट्रैक्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ घरे बेरे कम टू एन एंड सम टाइम लास्ट ईयर एंड द मिनिस्ट्री हैड नाउ डिसाइडेड नॉट टू रिन्यू इट. अब क्या था, एक ये जो DAG म्यूजियम है ये एक प्राइवेट एंटिटी है, और इसका एक कोलाबोरेशन चल रहा था नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स एंड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. और ये जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये किसके अंडर है, कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर. तो लाइक DAG और कल्चर मिनिस्ट्री का एक वो था कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें क्या था, उन लोगों को प्राइवेट एंटिटी दैट रन द शो इन कोलाबोरेशन. ये शो को लाइक घरे बहरे ये जो शो चल रहा था, एग्जीबिशन म्यूजियम चल रहा था, इसको ये रन करते थे, और इनका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था, और वो खत्म हो गया है कॉन्ट्रैक्ट, और मिनिस्ट्री कह रही है कि अब हम इसको रिन्यू नहीं करेंगे. घरे बेरे ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ आर्ट इन बंगाल, ये शो किस बारे में था, ये क्या बताती थी, ये जो एग्जीबिशन थी म्यूजियम में क्या बताती थी, लाइक ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ आर्ट इन बंगाल. कि आर्ट जो है, आर्ट में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं. आर्ट का मतलब लाइक आप पेंटिंग से नहीं लगा सकते, इसमें लाइक कल्चर भी आ जाएगा, इसमें साहित्य भी आ जाएगा, इसमें जितनी भी सारी की सारी कलाएं होती हैं, ललित कलाएं, सब इसमें इंक्लूड हो जाएगी. ये लाइक ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ आर्ट इन बंगाल. और कहाँ से शुरू करता था कि बंगाल में ये आर्ट का इवोल्यूशन कब हुआ, फ्रॉम द पीरियड्स ऑफ अराइवल ऑफ ट्रैवलिंग यूरोपियन आर्टिस्ट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉलोनियल आर्ट स्कूल, द राइज ऑफ इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस. जो हमारी इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस थी उनका क्या, कब वो शुरू हुई, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट
बॉन्ड ऑफ रेजिस्टेंस टू इंपीरियल इंपीरियल इंपोजिशन सेलिब्रेट्स द हाई टाइड ऑफ मॉडर्निज्म, मतलब किस तरीके से बंगाल का कल्चर ओवर द पीरियड बदलता गया, कल्चर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती गई, आर्ट ने कैसे लाइक अपने आप को डेवलप किया, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती थी। तो इसको अब बंद किया जा रहा है। तो चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। याद रखिएगा, अगर आपसे जीके में आ जाए, करंट में आ जाए, घरे बहरे क्या है, ये नॉवल है या किसने लिखा था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या ऐसा आ सकता है कि घरे बहरे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नॉवल पर एक मूवी बनाई गई थी, वो किसने बनाई थी, तो डायरेक्टर थे सत्यजीत रे। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट हेड करतारपुर साहिब वेलनकन्नी टू पिलग्रिमेज स्कीम। तो क्या है कि दिल्ली सरकार ने एक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलाई है, किसके लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए। बुजुर्ग लोग कौन है, जो 60 साल से ऊपर के हो गए हैं, तो उनको तीर्थ यात्रा करवाएगी दिल्ली सरकार। तो सारा खर्चा भी दिल्ली सरकार उठा रही है। तो उसके लिए लगभग लगभग 13 डेस्टिनेशन उन्होंने, 13 तीर्थ स्थान लाइक उन्होंने डिसाइड किए थे, जिसमें अयोध्या वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो अभी उसमें 2 नए डेस्टिनेशन ऐड किए गए हैं, एक तो करतारपुर जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, और तमिलनाडु का वेलनकन्नी चर्च। तो ये सब उसमें इंक्लूड किया गया है, 2 नए ये इंक्लूड कर लिए गए हैं। तो ये न्यूज़ को मैं 2-3 बार ट्रैक कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ट्रेन और बस सर्विसेज भी हैं, उनके साथ डॉक्टर्स भी जाएंगे, क्योंकि सभी बुजुर्ग लोग हैं और वो अपने साथ एक अटेंडेंट को भी ले जा सकते हैं, जो कि जिसका भी खर्चा दिल्ली सरकार देगी। आगे चलते हैं, राइट गाइज। तो उसके बाद एक एडिटोरियल आया है। देखिए, आपको पता था कि कल बड़ा लाइक जोर शोर से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे लाइक 5 का सेकेंड फर्स्ट फेज का हमने वो देखने को मिला, सेकेंड फेज का कुछ डेटा रिलीज करा है गवर्नमेंट ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। तो उसको लेकर लाइक काफ़ी उत्साह भी रहा कि पहली बार हिंदुस्तान में देखने को मिला जो लाइक 1020 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, तो महिलाएं पहली बार बाजी मार गई हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। लेकिन ये जो राइटर हैं इस एडिटोरियल की, इनका नाम है अश्विनी देश पांडे। अश्विनी देश पांडे जी ने ये लिखा है पूरा, लाइक ठीक है, खुशी की बात है, हम चीज़ों को लाइक डेवलप कर रहे हैं, हम इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, जो लाइक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से रिलेटेड है। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5, यहाँ पर वेयर रिलीज इन December 2020, वी नाउ हैव द की रिजल्ट फ्रॉम द सेकेंड फेज कंडक्टेड बिटवीन January 2020 एंड April 2021। तो पॉपुलेशन हैज स्टेबलाइज, तो यहाँ पर ऐसे कहती है कि जो रिजल्ट्स देखने को आ रहे हैं उसको लगता है देख के कि पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज हो गई है, रुक रही है। कैसे पता लगा, अ कंपेरिजन ऑफ NFHS 5 विद द NFHS 4 जो 2015-16 में हुआ था रिवील्स इम्प्रूवमेंट इन सेवरल डायमेंशंस सच एज एजुकेशन, कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, एजुकेशन सेक्टर में देखने को मिला, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में देखने को मिला, वैक्सीनेशन में देखने को मिला, इन्फेंट मॉर्टेलिटी जो बच्चे, छोटे बच्चे मर जाते थे ना लाइक उनकी किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती थी उसमें भी, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में अब हम इम्प्रूव कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो लाइक इनकी कमियों को और लाइक उस तरीके से इनको लाइक रिप्रेजेंट करती थी, वो सारे के सारे फैक्टर्स, नेगेटिव फैक्टर्स थोड़ा कम हुए हैं और हमने इम्प्रूव करना शुरू किया है। तो यहाँ पर ये कह रही है कि द बिगेस्ट पॉजिटिव हेडलाइंस न्यूज फ्रॉम NFHS 5 इज दैट द टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, कल बात करी थी ना हमने टोटल TFR क्या होता है। TFR क्या होता है, बेसिकली एक जब विमेन है लाइक फीमेल है अपनी लाइफ टाइम में लाइक उसको कितने बच्चे होते हैं, मतलब उसके कितने बेबीज होते हैं, तो उसका जो एवरेज है TFR का, विच इज़ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ वुमेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, हैज़ बीन फॉलिंग ओवर अ टाइम एंड इज नाउ जस्ट बिलो द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.5। तो कहने का मतलब है कि वो जो एवरेज हमने निकाला है अब वो थोड़ा सा कम आ गया है, यानी कि कम आने का मतलब है कि लाइक हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट एवरीवन। दिस इज ट्रू अक्रॉस ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, और लगभग सारे इंडिया ने, सारे जितने भी स्टेट हैं इंडिया में सबने यही इंडिकेट किया है। दिस मीन्स दैट द टोटल पॉपुलेशन हैज स्टेबलाइज, की टोटल पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है। अब यहाँ पर ये कहती हैं कि पॉलिटिशियंस को अपना ध्यान आगे के लाइक मुद्दों पर लगाना चाहिए, कि वो पहले लाइक चिल्लाते रहते थे कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है भारी मात्रा में, हम कहाँ से इतना लाइक खाने का इंतजाम करेंगे, नौकरियों का इंतजाम करेंगे। तो ये जो NHFS सर्वे का ये रिजल्ट आया है ये बताता है कि वी वर मूविंग टूवर्ड्स पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। उसके बाद ये कहती हैं डेटा ऑन सेक्स रेशो, तो जब भी लाइक हाँ लाइक आप एक डेटा प्रोटेक्शन बिल को भी लेकर बहुत कुछ चल रहा है, डेटा से याद आया मुझे, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगर आपने मिस किया है, तो मैंने कई बार उसको न्यूज़ में भी कवर किया है, डेटा ऑन सेक्स रेशो। सो अनदर हेडलाइन रिवील्स दैट नेशनली देयर आर 1020 एडल्ट्स वुमेन पर 1000 मैन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये हमने डिस्कस कर लिया। डज दिस मीन्स दैट द इंडियन वुमेन आर नो लॉन्गर मिसिंग,
अब ये कह रही है कि 1020 महिलाएं तो हो गई 1000 पुरुषों पर, क्या इसका मतलब है कि इंडियन वुमेन नो लॉन्गर मिसिंग? तो ये क्या है, अब देखिए इन्होंने इसमें क्या लिखा है, दैट इज दिस सिग्नल द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ द अनदर टेंशियस प्रॉब्लम दैट आर डीप रूटेड सन प्रेफरेंस विच लीड टू द इलीगल बट द परसेसिव सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस एज पेरेंट्स रिपीटेडली ट्राई फॉर एटलीस्ट वन सन। ये कह रही है कि चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि 1020 महिलाएं हो गई हैं, महिलाओं का लिंग अनुपात अभी बढ़ गया है पुरुषों के मुकाबले, तो क्या इसका मतलब हम ये मान लें कि इंडिया की जो एक बहुत ही लाइक इविल प्रैक्टिस इंडिया में चली आ रही है महिलाओं को लेकर, खासकर गर्ल चाइल्ड को लेकर, कि पेरेंट्स की विश रहती है कि लाइक एक बेटा तो हो जाए, बेटा तो हो जाए, जो बेटे की चाहत होती है, क्या वो खत्म हो गई है अब, या उस समस्या से हम लोगों को निजात मिल गई है? क्योंकि उसमें क्या होता है कि पेरेंट रिपीटेडली ट्राई और उसके बाद लाइक जो अबॉर्शंस होते थे, लाइक पता लगता था देयर विल बी अ गर्ल चाइल्ड तो अबॉर्शन करवा देते थे, क्या अब हमें उससे मुक्ति मिल गई है? तो ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर उठाया है, बड़ा ही लाइक वाजिब क्वेश्चन है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक 1020 महिलाएं होगी 1000 पुरुषों पर, तो कन्याओं की जो लाइक भ्रूण हत्या होती थी, लाइक उनको पहले ही पैदा होने से पहले मार दिया जाता था, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। इसका पता हम किससे करेंगे, ये आगे इस बारे में बताती है। टू गोज दिस, ये इस दिस मतलब इसको मेजर करने के लिए, द की मेट्रिक टू एग्जामिन वुड बी द सेक्स रेशो। ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी समस्या हमें देखने को, इसका पता लगाना है कि लाइक ये अभी भी प्रिवलेंट करती है या नहीं करती है, तो इसके लिए हमें सेक्स बर्थ रेशो का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, SRB सेक्स रेशो, द नेचुरल SRB। SRB का मतलब होता है सेक्स, SRB स्टैंड्स फॉर सेक्स रेशो एट बर्थ, ठीक है। टू गेज दिस द की मेट्रिक टू एग्जामिन वुड बी द सेक्स रेशो एट बर्थ, द नेचुरल SRB इज 105 बॉयज टू 100 गर्ल्स विच टिपिकली स्टेबलाइज टू अ 50-50 एडल्ट सेक्स रेशो। जो नेचुरल है दैट इज 105 बॉयज ऑन 100 गर्ल्स। उसके बाद ये कहती हैं लाइक एनीमिया एंड द मॉल न्यूट्रिशन। उसके बाद चलिए ठीक है, आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, हमारे सामने और भी मुद्दे हैं, और भी चैलेंजेस हैं जिनको लाइक हमें टैकल करना है। अ की हेल्थ इंडिकेटर दैट हैज वर्सन इज द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया इन अंडर 5 चिल्ड्रन, मतलब जो अंडर 5 एज ग्रुप के चिल्ड्रन है उनमें एनीमिया में बहुत दिखने को मिल रहा है, फ्रॉम 58.6 टू 67% बढ़ा है। वुमेन में ये कितना है, 53.1 टू 57%, यहाँ भी बढ़ गया है। एंड मेन में कितना है, 22.7 टू 25%, ये बढ़ता ही जा रहा है इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। एनीमिया हैज डेब्रिटाइजिंग इफेक्ट्स ऑन ओवरऑल हेल्थ, तो एनीमिया के जो हैं वो बड़े एडवर्स इफेक्ट होते हैं हेल्थ पे, विच इज़ वाई द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइज इट एज अ सीरियस पब्लिक हेल्थ कंसर्न। तो WHO ने भी इसको कहा है कि ये जो लाइक बीमारी आप देखने को मिलती है एनीमिया बच्चों में, महिलाओं में, पुरुषों में, जो कि बढ़ रही है, इसमें हमने देखा इस बार के इस सर्वे में, राइट गाइज, NHFS के जो ये सर्वे आया है इसमें हमने देखा, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि दिस इज समथिंग सीरियस, बेसिकली सीरियस पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, इसको लेकर स्टेट्स को इसके ऊपर काम करना चाहिए। देर आर अदर इंस्टेंसेज ऑफ द क्लियर डिफरेंस बिटवीन द फेज 1 एंड द फेज 2 रिजल्ट, द 3 इंडिकेटर ऑफ द मॉल न्यूट्रिशन, क्या होता है वो, स्टनिंग लो हाइट फॉर एज, वेस्टिंग लो वेट फॉर हाइट, एंड द अंडर वेट लो वेट फॉर एज शो एन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। इन्होंने क्या कहा है, देर आर अदर इंस्टेंस ऑफ क्लियर डिफरेंस बिटवीन, क्या और भी कुछ हमें लाइक इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, द 3 इंडिकेटर ऑफ मॉल न्यूट्रिशन। मॉल न्यूट्रिशन के 3 इंडिकेटर होते हैं, 3 तरीकों से पता लगाया जा सकता है लाइक मॉल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण, अच्छा पोषण ना मिलना, उसका 3 तरीके से पता लगाया जा सकता है। किस तरीके से, लाइक लो हाइट फॉर एज, एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ रही है, लाइक वेस्टिंग, उसमें क्या होता है लो वेट फॉर हाइट, जितनी हाइट है उसके हिसाब से वेट नहीं है, पहले में क्या है एज के हिसाब से हाइट नहीं है, दूसरा वेट के हिसाब से लाइक हाइट नहीं है, और उसके बाद होता है अंडर वेट, लो वेट फॉर एज, और एज के अकॉर्डिंग वेट नहीं है। शो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। ऑल्सो अलॉन्ग विद एन इम्प्रूवमेंट इन दीज 3 इंडिकेटर्स वी सी एन इंक्रीज इन द प्रपोर्शन ऑफ ओवर वेट चिल्ड्रन, ओवरवेट चिल्ड्रन देखने को मिल रहे हैं, ओवर वेट वुमेन एंड मेन देखने को मिल रहे हैं। बींग ओवरवेट ऑल्सो रिफ्लेक्ट मॉल न्यूट्रिशन, और ये कहती है कि ओवरवेट होना भी लाइक मॉल न्यूट्रिशन को रिफ्लेक्ट करता है, विद सीरियस हेल्थ कंसर्न्स इन द फॉर्म ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो इन्होंने एक और कंसर्न के बारे में बताया कि चलिए अभी एनीमिया को भी टैकल करना है, लाइक ये मॉल न्यूट्रिशन को भी टैकल करना है, सेक्स रेशो आप काफ़ी हद तक अपना ठीक कर चुके हैं। उसके बाद द ओवरऑल एविडेंस इज कंपेलिंग एंड क्लियर, हेल्थ ओट टू बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको लाइक एक मुद्दा बनाना चाहिए, कंसर्न उसको लेकर चिंता करनी चाहिए, और इस तरह की पॉलिसीज
और प्लान्स लेकर आने चाहिए, लाइक जो हेल्थ डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो, एंड ऑल द गवर्नमेंट्स नेशनल एंड स्टेट लेवल. द सर्वे हाईलाइट्स डीप इनइक्वालिटीज इन द हेल्थ आउटकम्स. डीप इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं सर्वे में, लाइक हेल्थ से रिलेटेड. एन एक्शन प्लान टू बी इम्प्रूव इंडियाज हेल्थ नीड टू बी इंक्लूसिव, फर्म इन द कमिटमेंट एंड बैक बाय द सॉलिड रिसोर्सेज. एक एक्शन हेल्थ प्लान होना चाहिए इंडियन सिटीजन्स के लिए, और जो वो किस तरह का नेशनल, वो पेपर्स पर ही नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी बैक्ड बाय द सॉलिड रिसोर्सेज. तो लाइक ये जो हमारा रिसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के लाइक जो हमें आंकड़े देखने को मिलते हैं, उसको लेकर श्रीमती अश्वनी देशपांडे ने एडिटोरियल लिखा है और बताया कि चलिए धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे कंसर्न है. ठीक है, स्वस्थ रहेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया. तो इसको लेकर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, तो इनको एक कॉन्क्रीट नेशनल हेल्थ प्लान लेकर आना चाहिए और उसको लाइक रिसोर्सेज से फुलफिल होना चाहिए, और जो लाइक पूरा का पूरा नेशनल लेवल पर इंडियन सिटीजन्स की हेल्थ के बारे में लाइक इम्प्रूवमेंट की तरफ हमें ले जाए. राइट गाइस, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ. ये जो न्यूज़ है, ये MPs आर डिफेंडेंट्स ऑफ डिग्निटी ऑफ पार्लियामेंट, सेज प्रेसिडेंट. तो कल जब आप सब लोग जानते हैं लाइक हमने संविधान दिवस मनाया, नेशनल लॉ डे, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो बेसिकली प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद सेड ऑन फ्राइडे द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, whether they represent the ruling party or the oppositions are the defender of the dignity of the parliament and one should not confuse competition to be rivalry. To unhone kaha ki jo MPs hote hain, member of parliament, they are the defender of the dignity of parliament. Matlab defenders hona chahiye unko, like jo suraksha kare parliament ki dignity ki. Halanki aap sab log jante hain mauka milte hi kursi mein sab kuch, lekin bharat ke rashtrapati mahamahishwari रामनाथ कोविंद जी ने एक संदेश दिया है. लेकिन इस पूरी खबर में सबसे इम्पोर्टेंट तो देखिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, द प्रेजिडेंट ऑल्सो रिलीज द डिजिटल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स. तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो लोग जानना चाहते हैं कि भारतीय संविधान क्या है, इंडियन पॉलिटी क्या है, बेसिकली उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पढ़नी चाहिए, एज वेल एज द कैलीग्राफ्ड वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट द इवेंट. तो प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद ने डिजिटल वर्जन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का रिलीज कर दिया और कैलीग्राफ्ड वर्जन भी रिलीज कर दिया. ये आपके जीके और करंट अफेयर का एक बढ़िया लाइक एक मुद्दा बन सकता है, आप इसको पढ़िएगा डिटेल में किसके बारे में और क्या क्या है. उसके बाद अगली खबर मिलती है हमें बिहार से, राइट, जिसको लाइक पाटलिपुत्र भी कहते थे पहले, मगध एंड ऑल दैट एरिया, जो अपने आप में इतना संपन्न हुआ करता था. जब भी हम हिस्टोरिकल इंडिया की बात करते हैं तो उसकी हालत देख लेते हैं आज कैसी है. ओवर 50% ऑफ बिहार पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर, मल्टी डायमेंशनली विभिन्न तरीकों से, मतलब वो गरीब हैं. ये किसने कहा है, नीति आयोग ने. झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश अमंग पुअरेस्ट स्टेट. झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत ही गरीब देशों में आते हैं. केरला, गोवा हैज लोवेस्ट पॉवर्टी रेट. और केरला और गोवा में कंपैरिजन जब हम करते हैं तो वो लोवेस्ट पॉवर्टी रेट्स हमें देखने को मिलता है. विद मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन बिहार आइडेंटिफाइड एज मल्टी डायमेंशनली पुअर, द स्टेट हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन पुअर्टी अमंग ऑल द स्टेट्स. सबसे ज्यादा जनसंख्या ऐसी है बिहार में, सारे स्टेट्स को अगर हम कंपैरिजन करके देखें, 50% जनता बिहार की लाइक गरीबी में जी रही है. एंड द यूनियन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार अपनी करंट अफेयर्स की बुक में MPI जरूर लिख लीजिएगा और देख लीजिएगा क्या होता है, कौन रिलीज करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. उसके बाद नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ड्स इंस्टीट्यूटिंग अ पब्लिक पॉलिसी. अब क्या होता है, जब आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की तरफ देखते हैं इसकी तरफ, तो ये किस में हेल्प करता है कि आप इसके आंकड़ों के हिसाब से उसके बाद आगे चलकर आप पॉलिसीज उसी तरीके से फ्रेम करते हैं, ताकि जो लाइक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशंस नहीं मिल रहा है बहुत सारे सेक्शंस को रिलेटेड टू लाइक फाइनेंसेस एंड द इकोनॉमी, उनके लिए आप उस हिसाब से पॉलिसीज बना सकें. राइट गाइस, तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इंस्टीट्यूटिंग अ पब्लिक पॉलिसी टूल which monitors multidimensional poverty, informs evidence-based and focus interventions, thereby ensuring that no one is left behind. Niti Aayog chairman Rajiv Kumar said in the foreword. तो ये जो नीति आयोग के चेयरमैन है राजीव कुमार ने ये कहा है कि लाइक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुत अच्छे तरीके से ये हेल्प करता है. जब आपको ये आंकड़े दिखा देता है तो आप इस बारे में बहुत ही क्लियर होते हैं कि आपको किस क्षेत्र के लिए कैसी पॉलिसी बनानी है, ताकि आप लोगों का अपलिफ्टमेंट कर सकें और लोग पीछे ना रह जाएं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब पॉलिसी बनेगी तो हम ध्यान से इसको देखेंगे, लेकिन ये बातें हैं बातों का क्या कि कोई भी पीछे ना रह जाए. चल रही हैं चीज़ें, देखते हैं आगे. ही सेड इंडियाज नेशनल MPI मेजर यूज द ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड द रोबस्ट मेथडोलॉजी
डेवलप बाई ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये कहा है कि इंडिया की जो MPI मेजर्स है ना, वो ग्लोबली एक्सेप्टेड रोबस्ट मेथडोलॉजी के थ्रू बनाया गया है, और उसी हिसाब से हम लाइक ये सर्वे भी करते हैं। तो इसको डेवलप किसने किया था? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने एंड द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मिलकर इसको डेवलप किया था उसी के हिसाब से, और इसी के पैरामीटर्स के हिसाब से हम इस तरह के सर्वे करते हैं। बिहार हैड द हाइएस्ट शेयर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल वाइल केरला द लीस्ट। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। वेणुगोपाल पुशेस फॉर नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। तो अब कुछ नया सुनने को आज के अखबार से देखने को मिलता है, नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील। ये पूरी खबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर सच कोर्ट्स विद 15 जजेस ईच वुड ड्रास्टिकली रिड्यूस पेंडेंसी सेज अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल आर्ग्यूड ऑन द फ्रंट फुट इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो ये भारत के प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने लाइक अपना ये स्पीच दे रहे थे, और इन्होंने कहा कि फॉर द रिवाइवल ऑफ 11 ईयर ओल्ड प्रपोजल, मतलब ये 11 साल पुराना प्रपोजल है। क्या प्रपोजल है? टू सेट अप अ नेशनल कोर्ट ऑफ अपील इन 4 रीजन्स ऑफ कंट्री। भारत के 4 रीजन्स में एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बना देना चाहिए, ताकि लाइक सुप्रीम कोर्ट की जो पेंडेंसी ऑफ सूट है और बर्डन है जुडिशरी के ऊपर, वो थोड़ा कम हो जाए। ही सेड 4 कोर्ट्स ऑफ अपील विद 15 जजेस, और 15 जज होने चाहिए उनमें। ईच कोर्ट एक्ट एज अ इंटरमीडिएट अपीलेट कोर्ट्स बिटवीन द स्टेट हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। और ये जो लाइक नया कोर्ट बनाने की बात हो रही है, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में होगा। अभी क्या है, हाई कोर्ट से डायरेक्ट अपील जाती है, अब क्या सुप्रीम कोर्ट के पास, अब क्या होगा कि इसके पास से फिल्टर होकर अपील जाएंगी अगर ऐसा भी कुछ होगा। लाइक मुझे नहीं लगता कि वो प्रोविजन डालेंगे कि इसके बाद अपील जा सके। दे वुड एब्जॉर्व मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, और बोलते हैं इस तरह के जो होंगे नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, ये क्या क्या देखेंगे कि किन किन मैटर्स को एब्जॉर्व कर लेंगे। एब्जॉर्व करने का मतलब यहाँ पर कौन कौन से मैटर्स को फाइनल कर देंगे। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, रेंट कंट्रोल केसेस एंड अदर सच केसेस दैट क्लॉक द सुप्रीम कोर्ट, और वो सारे के सारे केसेस जिनकी वजह से लाइक सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, एडिंग टू पेंडेंसी। द जजमेंट ऑफ दीज कोर्ट्स ऑफ अपील वुड बी फाइनल, इन्होंने कहा कि भैया इनके बाद से कहीं भी अपील नहीं लगनी चाहिए, इनका जजमेंट फाइनल होना चाहिए। दीज कोर्ट विल ऑल्सो मीन दैट वी आर डूइंग 60 जजेस वो हैड टेकिंग ओवर द केसेज, पेंडेंसी वुड बी कट डाउन, और इससे पेंडेंसी भी कम होगी। केसेज कुड बी डिस्पोज ऑफ इन 3 or 4 ईयर्स टाइम, मिस्टर वेणुगोपाल सर 3 से 4 साल के भीतर उनको खत्म कर देना है द केसेज को। दिस वुड अनबर्डन द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का बोझ थोड़ा कम होगा। विच कुड फोकस ऑन इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ऑफ लॉ, और इन्होंने कहा है कि लाइक जब सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा फ्री होगा बर्डन से, तो वो बहुत अच्छे तरीके से लाइक इंटरप्रेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन की भी इंटरप्रिटेशन करेगा और क्वेश्चन ऑफ लॉज की भी करेगा। रेफरेंसेज इन द डेथ सेंटेंसेज केसेज, और रेफरेंस ऑफ डेथ सेंटेंस केस है उनमें हमें और ज्यादा क्वालिटी देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट जजेस कुड हियर केस लेजरली, रीड एंड राइट बेटर जजमेंट, अच्छी तरीके से देखेंगे केसेस को, अच्छे जजमेंट्स लिखेंगे। मतलब वेणुगोपाल यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रहे कि अभी वो ऐसा नहीं करते, उसके बाद थोड़ा सा लाइक और क्वालिटी इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा। मिस्टर वेणुगोपाल आर्ग्यूड एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट टू सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो संविधान दिवस का जो इवेंट था वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्गेनाइज किया था बेसिकली, उसमें मिस्टर वेणुगोपाल बोल रहे थे। वी हैव इंक्लूडेड एक्सेस टू जस्टिस एज अ फंडामेंटल राइट। जी हाँ बिल्कुल, हमने एक्सेस टू जस्टिस को फंडामेंटल राइट की तरफ इंक्लूड किया है, बट वी आर प्रोबेबली वायोलेटिंग द फंडामेंटल राइट बाई कंटिन्यूइंग विद दिस सिस्टम। देखिए कितनी अच्छी बात, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइक स्टेटमेंट को फ्रेम किया है कि हमने दे तो दिया जनता को एक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, कैसे कि लाइक फंडामेंटल राइट वी हैव इंक्लूडेड एक्सेस टू जस्टिस, न्याय पाना आपका एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन हम ये खुद वॉयलेशन करते हैं इस राइट का अगर हम इस तरीके के सिस्टम के साथ कंटिन्यू करते हैं, जहां पर आपको न्याय के लिए बहुत बहुत दशकों तक इंतजार करना पड़ता है, 5, 10, 15, 20 साल। जो लिटिगेशन करता है उसे ये भी नहीं पता होता है एट द एंड ऑफ द डे कि जिंदा भी बचेगा क्या जब तक जजमेंट आएगा या नहीं आएगा राइट। तो उसका मतलब हम खुद ही उल्लंघन कर रहे हैं इस फंडामेंटल राइट का। उसके बाद स्टार्टिंग हिज स्पीच विद द क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट ट्रूली अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो उन्होंने जो अपनी स्पीच शुरू की थी वो सवाल के साथ की थी, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक संवैधानिक कोर्ट है। मिस्टर वेणुगोपाल सेड इट वुड नीड अ वेरी वेरी बोल्ड पर्सन टू स्टार्ट अ लिटिगेशन। ही सेड केसेस रिमेन पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर 10 years, इट वुड हैव रीच्ड द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर स्पेंडिंग अ डिकेड। मतलब सुप्रीम कोर्ट में तो रहेंगे 10 साल तक पेंडिंग, ये कह रहे हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में भी 10-15 साल लग जाते हैं। आदमी सुप्रीम कोर्ट में तभी तो खड़ा होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब वो लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हाईकोर्ट लेवल पर। तो अ पर्सन डज नॉट इवन नो व्हेन हिज केस वुड कंक्लूड एंड वेदर ही वुड बी अलाइव टू सी द फ्रूट्स ऑफ लिटिगेशन।
ही हैड स्टार्टेड, मतलब बंदे को पता ही नहीं है भैया तो जिंदा भी बचेगा या नहीं बचेगा फैसला देखने के लिए। ये मिस्टर वेणुगोपाल ने बहुत ही लाइक एक अच्छा मुद्दा उठाया है कि एक नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के बीच में। देखते हैं कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। अगली खबर आती है कहाँ से, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, साइरस पूनावाला ग्रुप, कोवैक्स एक्सपोर्ट्स रेज्यूम। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे ऑफिशियली अनाउंस दैट इट हैज रेज्यूम एक्सपोर्ट ऑफ इट्स कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड अंडर कोवैक्स द इंटरनेशनल वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम, उसमें रेज्यूम कर दिया गया। द रिजम्पशन ऑफ द एक्सपोर्ट इज लिंक्ड टू द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सरपासिंग इट्स ओरिजिनल टारगेट टू प्रोड्यूस 1 बिलियन डोज ऑफ कोविशील्ड बाय 2021 एंड इट सेड अर्लियर इन द डे द फर्स्ट बैचेस ऑफ कोविशील्ड लेफ्ट द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी इन द पुणे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक कंट्रीज वाया द कोवैक्स अरेंजमेंट। तो इन्होंने दोबारा से रेज्यूम कर दिया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने लाइक जो एक्सपोर्ट करना दोबारा से शुरू कर दिया है वैक्सीन को। तो अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि है एक थैंक यू स्लाइड। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना लाइक डिटेल में लाइक देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब कम हो रहा है, प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए जो भी आपकी फर्दर रिक्वायरमेंट है। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर द लॉजिकल स्टडी, इंस्टा पर सेम हैंडल रहेगा, जीमेल पर रहेगा द लॉजिकल स्टडीज @gmail.com और हमारी वेबसाइट है www.thelogicalstudies.com। सो गाइज दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। मैं फिर मिलता हूँ आपसे कल एक द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक।